पूरी ज़िंदगी मेरे मुंह में इस टॉफ़ी के लिए पानी आता रहा और आज ये मेरे हाथ में। या तो मैंने नकली खरीद लिया या इसका पहले जैसा टेस्ट नहीं रहा। विद दैट बीइंग सेड, इंट्रो। मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया और मुझे मिला है पूरा एक तमीज़ वाला टैटू। तो दोस्तों मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे एक स्टिकर या कैसे एक टैटू तुम अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हो। सबसे पहले तुम अपने बड़े बड़े नाखून का इस्तेमाल करके इसको ये मेरे से पहले भी नहीं होता था, मेरे से आज भी नहीं हो रहा है। फाइनली हम अपने मिशन में कामयाब हुए हैं और हम इसे निकालने में सक्सेसफुल हुए हैं। हमारे हाथ में ऑलरेडी हम सुपरमैन बने हुए हैं और इस हाथ में हम बनेंगे डोनाल्ड डक। ज़िंदगी का मकसद मेरा कामयाबी का दूसरा मतलब मेरी हालत को एक्सक्यूज़ करना टैटू बनाने के बाद ही। मेरी हालत अभी सोने वाली हो रही है कि एक्चुअली मैं थोड़ा अभी उठाऊँ और ये परफेक्ट टाइम होता है मेरे लिए कंटेंट बनाने के लिए, तो मैंने टाइम वेस्ट नहीं करा हुआ है। इस पर्टिकुलर वीडियो में 5 मिनट के अंदर मैं कुछ 4 CSS ट्रिक्स सिखाने की कोशिश करूँगा जो बहुत ही बेसिक है, बहुत कॉमन है, लेकिन बहुत बार लोग इसे यूज़ नहीं करते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं जिनको ये ट्रिक्स हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट डाउन इन दिस वीडियो एंड लेट जस्ट गेट स्टार्टेड। बॉर्डर बॉक्स या बॉक्स स्टाइलिंग, तो बेसिकली होता है कि जब हम किसी बॉक्स को बॉर्डर देते हैं तो होता क्या है, सपोज फॉर एग्जांपल किसी बॉक्स की विड्थ एंड हाइट 100x100 है, 100 पिक्सल विड्थ 100 पिक्सल हाइट। तो होता क्या है, जब भी आप किस उस पर्टिकुलर बॉक्स पे जब विड्थ बॉर्डर सेट करते हो तो उसकी जो बॉर्डर होती है वो उसकी विड्थ और हाइट के बाद एक्स्ट्रा अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 2 पिक्सल की उसकी बॉर्डर दी है तो वो 2 पिक्सल तो जो उसकी विड्थ हो जाएगी वो 102 हो जाएगी, हाइट हो जाएगी 102 हो जाएगी। बट बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी सेट करनी होती है, वैल्यू सेट करनी होती है। बॉर्डर बॉक्स जैसे आप उसको सेट करते हैं तो जो आपकी बॉर्डर होती है वो आपके विद इन आपकी विड्थ एंड हाइट के अंदर कैलकुलेट होती है। इससे क्या होता है, जो आपकी लेआउट होती है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती जब भी आपको होवर करते हैं या फिर जब भी कोई ऐसी चीज़ यूज़ में आती है। दूसरी CSS ट्रिक बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनली पसंद है। इसका सिर्फ एक पर्पज़ है कि जब किसी यूज़र की किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे या फिर डिव पे, कोई भी एलिमेंट हो सकता है HTML का, उस पे उसकी अटेंशन मतलब लाना। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे उसकी अटेंशन चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई बटन है मुझे उसकी यूज़र की अटेंशन उस पर्टिकुलर बटन पे चाहिए या फिर कोई डिव है, कोई भी चीज़ है, कोई इमेज है, तो ये एक एनिमेशन ट्रिक है जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। और इसको यूज़ करने की बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सेम प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने अभी आपने बॉर्डर ट्यूट पे देखा। तो नाउ सेम मेरे बॉर्डर बॉक्स अप्लाई होगी, उसी के बाद मैं अप्लाई करूँगा। इसके बाद हमें सिर्फ एक एनिमेशन डिफाइन करना है की फ्रेम्स के, उससे जिसको मैं नाम देता हूँ रेडियल पल्स। इस पर मैं 0 पर मैं सेट कर रहा हूँ बॉक्स शेडो एंड मैं 100% पर सेट कर रहा हूँ बॉक्स शेडो की दूसरी वैल्यू जो मुझे फाइनल पे चाहिए। एंड इस एनिमेशन को मैं 1 लाइन पे बॉक्स 1 के एनिमेशन में सेट कर दूंगा। एनिमेशन रेडियल पल्स 1 सेकंड और इनफिनिटी यानी कि लूप पर चलता चला जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जो मेरा एलिमेंट है वो अटेंशन वो ऐसे पल्स मारेगा तो हमेशा उस पर यूज़र की अटेंशन वहाँ पे जाती है। तो ये बहुत ही इजी ट्रिक है और बहुत ही यूनिक है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा यूज़फुल आ सकती है और बहुत ही मॉडर्न बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। अगर आपको ये चीज़ यूज़ करनी है तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसी को यूज़ करें। नाउ जो थर्ड CSS ट्रिक है वो है कंटेंट अलाइनमेंट। बेसिकली कंटेंट को जब हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों अलाइन करना होता है तो यूजुअली हम फ्लेक्स यूज़ करते हैं, बट बहुत बार लोगों को फ्लेक्स का हिसाब समझ नहीं आता कि फ्लेक्स कैसे यूज़ करना चाहिए। थोड़ा अभी भी लोग टेबल का यूज़ करते हैं या फिर मार्जिन का या कोई फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, तो लोगों को भी अच्छे से इंप्लीमेंट करना आता नहीं है। तो जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ट्रिक होने वाली है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं सेम प्रोजेक्ट में मैं आगे कंटेंट अलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सेंटर पे तो मैं डालूंगा 3 प्रॉपर्टी, डिस्प्ले फ्लेक्स, बिकॉज फ्लेक्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज़, वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले टाइप जिसके हेल्प से हम किसी भी कंटेंट को अलाइन कर सकते हैं। मैंने अलाइन आइटम करा सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट करा सेंटर, सिर्फ ये 3 लाइन और आपका कंटेंट बिल्कुल सेंटर पे हो जाता है आपके पेरेंट के। नाउ जो लास्ट प्रॉपर्टी है ये थोड़ी सिमिलर है प्रीवियस वाली से। प्रीवियस प्रॉपर्टी पे, प्रीवियस ट्रिक पे हमने सीखा कि हम कैसे कंटेंट को अलाइन कर सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर ट्रिक पे हम सीखेंगे कि चाइल्ड को कैसे अलाइन करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस पर्टिकुलर कोड पे हम कोशिश करेंगे कि हम एक नया सब मेन्यू बनाएं या फिर एक सब एक चाइल्ड बनाएं बॉक्स 2 के अंदर, और उस बॉक्स
उस चाइल्ड को हम अलाइन करेंगे किसी पर्टिकुलर साइट पे, तो उसके लिए हमें सिर्फ पोजीशन एब्सोल्यूट सेट करनी है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट आपको सेट करना है डिपेंडिंग आपको कहाँ पे चाहिए। ऐसी कंडीशन और है कि जो आपका पेरेंट बॉक्स है जैसे बॉक्स 2, वो आपका रिलेटिव पोजीशन पे सेट होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक टिप्स थी जो मतलब मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में दिखाना चाहता था। एंड विद दैट बीइंग सेड, आई होप मैंने 5 मिनट के अंदर कवर कर ली होगी। इस पर्टिकुलर कोर्स के जो सोर्स कोड चाहिए अगर आपको, तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन मेंशन है forensdigitals.com से, जहाँ पे मैं डेली कुछ लाइसेंस या कोर्स पोस्ट करने वाला हूँ रेगुलर बेसिस पे, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई कमेंट है, कोई फीडबैक, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड फॉर मोर वीडियो जस्ट लाइक दिस वन, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आई एम गोइंग टू पोस्ट मोर एंड मोर वीडियो जस्ट लाइक दिस वन। एंड विद दैट बीइंग सेड, लेट्स जस्ट एंड दिस वीडियो।